दिल्ली से तबलीगी जमात में शामिल होकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लौटे और बिना टेस्ट कराए घरों में रह रहे लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए यूपी पुलिस ने नया तरीका निकाला है। पुलिस ऐसे लोगों के बारे में जानकारी देने वालों को 10,000 रुपए का इनाम देगी। इस पुरस्कार का ऐलान खुद बुलंदशहर के SSP संतोष कुमार सिंह ने किया। देखिए, हमारे जनपद में कुल 202 जमाती जो 1 तारीख के बाद दिल्ली मरकज से आए थे, जो कोरोना का प्रसार देखने को मिला वो इनकी वजह से मिला, और 5 पॉजिटिव केस पाए गए, जो 5ों जमाती थे। एक जो इनके कॉन्टैक्ट का था जहांगीराबाद क्षेत्र में, वो पॉजिटिव पाया गया। तो इस प्रकार से इस जनपद में जो भी कोरोना का फैलाव हुआ है वो जमातियों की वजह से हुआ है। हम सब की कोशिश ये है कि जितने भी जमाती हैं उन सबको क्वारंटाइन करके उनका परीक्षण कर लिया जाए ताकि इसका फैलाव आगे न हो सके। फिर भी इस बात की संभावना से इनकार नहीं हो सकता है कि संभव है कि कुछ लोग दिल्ली तबलीगी जमात से वापस आए हों और वापस आने के बाद उन्होंने अपने को कहीं छुपा लिया हो। तो ऐसे लोगों की खोज के लिए, ताकि इसका और आगे विस्तार न हो पाए, हमने 10,000 के पुरस्कार की घोषणा की है कि अगर कोई व्यक्ति सही सूचना देता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है या समूह है जो दिल्ली मरकज की तबलीगी जमात में सम्मिलित हुआ था और अभी तक अपने को ओपन नहीं किया है, कहीं छुपा हुआ है, तो ऐसी जानकारी देने वाले को हम नाम पता गोपनीय रखते हुए 10,000 रुपए का पुरस्कार। बुलंदशहर के अलावा आजमगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हाल है। आजमगढ़ पुलिस ने अब तक अलग अलग मदरसों, मस्जिदों और घरों में छिपे 33 जमात कार्यकर्ताओं का पता लगाकर उनकी जांच कराई और क्वारंटाइन में भेज दिया है। आजमगढ़ में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद जिले में लौटे लोगों ने किसी तरह की जांच नहीं कराई है। आजमगढ़ पुलिस ने भी जांच से बचने की कोशिश कर रहे जमात के कार्यकर्ताओं की जानकारी देने पर इनाम की घोषणा की है, लेकिन आजमगढ़ में इनाम की रकम बुलंदशहर से थोड़ी कम है। यहां जानकारी देने वालों को 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा। इसके अलावा जिलाधिकारी ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एहतियात के तौर पर आजमगढ़ के 26 जगहों को विशेष क्षेत्र घोषित कर दिया है। इन विशेष क्षेत्रों में घर घर जाकर स्क्रीनिंग की जा रही है। स्क्रीनिंग में 2 महीने तक घर के हर आदमी के कहीं भी आने जाने की जानकारी के अलावा सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ साथ परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। आजमगढ़ के SP त्रिवेणी सिंह का दावा है कि कई जमात कार्यकर्ता अभी भी छिपे हुए हैं। वो कहते हैं कि पुलिस की अपील है कि अगर जमात के लोग समय पर बाहर आकर जांच करा लें तो उन पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। आगे पुलिस चेतावनी देती है कि अगर हमें उनके छिपे होने की जानकारी किसी और से मिली तो इन लोगों के खिलाफ कठोर एक्शन होगा। बुलंदशहर की तरह आजमगढ़ पुलिस ने भी कहा कि जमात के लोगों के बारे में जानकारी देने वालों का नाम पता तो गुप्त रखा ही जाएगा, साथ ही इनाम भी मिलेगा। आजमगढ़ प्रशासन ने जिले के मुबारकपुर में 5 कोरोना वायरस संक्रमित मरीज मिलने के बाद इलाके को सील कर दिया है। इनमें 4 में से 3 संक्रमित लोगों की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। मुबारकपुर को सील करने के बाद 3 किलोमीटर के इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल लोकमत न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।